मैं इसी गांव की बेटी हूं और इसी गांव की बहू हूं मैं, तो देख के बड़ा दुख लगता है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में मैं रहती हूं और मुझे यही लगा कि यहां के लिए कुछ किया जाए, इन लोगों की आवाज़ बनी जाए, इनकी आवाज़ को उठा के सरकार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ना यहां कोई इनको देखने वाला है ना सुनने वाला है। बस मेरा यही है कि मैं इनकी आवाज से बनू, भगवत की आवाज बनू, समस्या बुढ़ापा घबरा मेरे मंजरी नहीं कर पाती पाँ पे रात में। हाँ, क्या नाम क्या आपका? मुन्नी। हाँ, क्या क्या है आपका? पेंशन नहीं मिलती है। भरा है आपने? फार्म भरा है? फार्म भरा है, कुछ सुनाई नहीं। कहाँ है फार्म, कहाँ है आपका? अब जैसे मांगत रहे तो देत रही हूँ, कोई नहीं आवती है, जैसे कहत रहा था कौन नहीं सुनाता। अभी रखी है उसकी फोटो कॉपी है क्या फार्म की? हाँ, फोटो कॉपी नहीं दर्जी नहीं, ले लेते हैं, बोल देते हैं पेंशन बन जाएगी, पेंशन बनती नहीं, फार्म रख लेते हैं, कागज इकट्ठा कर दिए, खड़ी में ताकत है, 20 बार मांगते हैं कागज रख लेते हैं, अब पेंशन वेंशन कुछ आती है नहीं है, रख लेते हैं सब, जोर कराते हैं, ठंडी में ताप लेते हैं सब। गरीब आदमी न मेहनत हो न मंजूरी हो, हमारे पास न खेती है न पत्ती, क्योंकि जो कॉलोनी यहाँ सभी बहुत ज्यादा मध्यवर्गीय के लोग हैं, गरीब हैं, जिनको एक वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो इसमें गरीब बस्ती है, इसलिए शायद यहाँ पे कोई इनको ध्यान नहीं देता है, और लोगों की भी थोड़ी सी तो गलती है कि ये भी आवाज नहीं उठाते हैं, अगर ये आवाज उठाएं मजबूत हो तो इनकी सरकार जरूर सुनेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी सहते हैं। बड़े आदमी के आगे गरीब आदमी थोड़ी बहुत, बस इनका यही कहना है कि बड़े आदमी के सामने गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। गरीब आदमी सब मजदूर, क्यों दबते हो आप? अब आप इतने सारे लोग हो ना, उन्होंने इतने सारे लोग हो, आप लोग कैसे नहीं प्रधान बोल करेगा आपका काम? अब मैं हर 2 महीने में आऊँ।